हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मुनीश। और आज जो मैं स्पा थेरेपी के बारे में बोलने वाला हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूँ कि क्या आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कभी स्पा थेरेपी किया है? शायद आप सोच रहे होंगे यार, पेरेंट्स हमारे ऊपर स्पा थेरेपी कब किया, कैसे किया, हमें तो याद भी नहीं है। एग्जैक्टली, यू डोंट नो इट। लेकिन अगर आप ओनली फादर हैं तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने बच्चे को स्पा थेरेपी करवाया? अब आपको याद आ जाएगा। तो चलिए इसी टॉपिक पर बात करते हैं और इसमें यहां पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर स्पा थेरेपी करवाया था तो आज की जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले कि उन्होंने आपके ऊपर एक फेवर किया, फेवर तो हजारों किए हैं, करोड़ों किए, जिसकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एक पॉइंट को हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं कि आपके ऊपर बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो आपके ऊपर स्पा थेरेपी हुआ था। और अगर ये हुआ था तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि इंडियन कल्चर है तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि हर किसी के ऊपर हुआ होगा, बट अगर आपके ऊपर नहीं हुआ है तो प्लीज दैट ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप अभी यंग हो गए हैं और आपके पेरेंट्स हो गए हैं ओल्ड। अब आपके पेरेंट्स जब ओल्ड हो गए हैं तो अब दो चीजें हैं, इधर यू आर इग्नोरेंट अबाउट देयर हेल्थ, और दूसरा क्या हो सकता है, आप उनकी हेल्प तो करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे उनकी हेल्प करूं। हम कई बार क्या करते हैं, प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं जब वो ज्यादा बीमार होते हैं, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हम करने की कोशिश करते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और शायद मनी स्पेंड करने पे ज्यादा फोकस करते हैं कि चलो भैया वो देख लेंगे। बट आई थिंक इसका एक दूसरा एंगल भी है कि शायद प्रॉब्लम उस वजह से है ही नहीं, प्रॉब्लम शायद ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हैं। आप उनको जो क्वालिटी टाइम वो डिजर्व करते हैं आपके साथ, वो आप उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो देर आर सर्टन फॉर्मूलाज जो, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला तो यही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप उनके लिए प्रोफेशनल स्पा थेरेपिस्ट का अगर अरेंजमेंट करने जाते भी हैं तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। आप चाहते हैं उनकी मदद करना, उनको हेल्दी रखना, उनको यंग रखना, लेकिन प्रोफेशनल स्पा थेरेपिस्ट में आप कभी भी कॉल करेंगे 2-3 हजार रुपए से पर सेशन कम नहीं है। तो दिस यू फाइंड इट वेरी एक्सपेंसिव। अब दूसरा एक पॉइंट जो आता है यहाँ पर, एक दूसरा एंगल भी है कि अगर हम किसी को घर पे बुलाने की बात भी करते हैं, अगेन दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो दो इधर वे, इधर यू कॉल समवन एट होम और यू गिव गो आउट एंड गिव सर्विस अवेल सर्विस, देन बोथ वेज इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग कि जब वो आते भी हैं, लेट से कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आपके यहाँ पर आता भी है, कि आपको ये भी नहीं पता कि वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड और सर्टिफाइड है या नहीं। तो काफी सारे चैलेंज है जो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर एक जो सॉल्यूशन जो बन के आता है वो है कि व्हाई डोंट यू लर्न इट एंड डू इट योर सेल्फ। नाउ दिस इज लाइक मे बी लाइक यू टू मच प्रेशर ऑन यू, बट दिस इज वॉट एग्जैक्टली इज द रियल सोल्यूशन फ्रॉम योर पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। दे आर ओल्ड एजेड, दे नीड यू एंड दे नीड योर टाइम। और यहां पर एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप खुद करेंगे तो आप उनसे लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स तो आप ले ही पाएंगे, एंड दिस विल हेल्प यू टू डिजाइन योर क्वालिटी टाइम विद योर पेरेंट्स। एंड आई एम श्योर यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी अपने माँ बाप के हाथ पैर या दादा दादी के हाथ पैर दबाते होंगे और उनकी हेल्प करते होंगे, बट आई थिंक थोड़ा सा अगर इस चीज को अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर लेकर चले जाएं, आपकी प्रोफेशनल लर्निंग अगर आप कर पाए तो आई थिंक इट कैन बी अ लाइक यू नो ट्रूली राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। सो अगर आप यहां तक अगर मेरी बात वीडियो देख रहे हैं और यहां तक अगर आप कन्विंस्ड हैं, सो देन दीज आर द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। तो स्टेप नंबर वन, कि यू कैन अटेंड माई वेबिनार विच इज फ्री फॉर फर्स्ट 10 पीपल, और जिसका लिंक मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो यू कैन अकॉर्डिंगली कनेक्ट। और दूसरा जो है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जब भी हमारे यहाँ से कोई अपडेट आती है तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आती है, और या फिर आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं और वहां पर भी हमारी जो भी चीजें हैं वो आपके सामने आती रहती हैं और आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये था कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया है, और इट इज टाइम टू रिटर्न दैट फेवर इन इन अ प्रॉपर वे, रादर देन बीइंग इग्नोरेंट और बीइंग हैविंग द फियर ऑफ वेदर आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग। बिकॉज हम हमारी ट्रेनिंग में ऐसे कुछ मेथड आपको बताते हैं जो एक
कोई भी पर्सन सीख सकता है घर बैठकर, और जो भी आपके दिमाग में फियर होंगे वो सारे के सारे फियर आप हमारे कोर्सेज के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।